दिल्ली के जामिया हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने 11 में से 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की अपील मंजूर कर ली। जांच एजेंसी ने स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट शर्जील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तनहा और 8 अन्य को आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को आंशिक रूप से पलट दिया है। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ दंगे और अन्य आरोप तय करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा कि पहली नजर में जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, आरोपी स्टूडेंट एक्टिविस्ट भीड़ की अगुवाई कर रहे थे। वो दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और हिंसात्मक ढंग से बैरिगेड्स को धक्का दे रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने का अधिकार तार्किक प्रतिबंधों के अधीन है। हिंसक गतिविधि और हिंसापूर्ण भाषणों को संरक्षण नहीं मिल सकता। इन सभी 8 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 147, 149, 186, 353, 427 के साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के खिलाफ 2019 में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान दिल्ली के जामिया इलाके में हिंसा हुई थी। इस हिंसा के आरोपी शर्जील इमाम, सफूरा जरगर समेत अन्य आरोपियों को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। So watching the video, if you like it, please press the like button, share your views in the comment section and please subscribe to India News TV for more such updates.